नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो सभी? बढ़िया हो दोस्तों। तो भाई एक बार चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ठीक है? बिल्कुल। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दोस्तों, अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है सभी में एक बार शेयर कर दो, ठीक है? शेयर करने के बाद में ज्यादा से ज्यादा जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है? जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, ठीक है? अभी थोड़ी सी मैं आपको वेरिफिकेशन और जानकारी भी दूंगा, उससे अपडेट रहे, ठीक है दोस्तों? जैसे कि अभी हाल ही में एक घटना आप लोगों के बीच में आ रही होगी, जिसके चलते पूरा भारत बंद है टोटल, ठीक है? बहुत कुछ सिस्टम, सारी चीजें जबरदस्त बंदी पे है, बहुत कुछ बंद हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी है जो खुली हुई है, ठीक है? उसके बारे में तो बाद में डिस्कशन करेंगे। उस विषय के बारे में बातचीत करना चाहूंगा जिस विषय के बारे में बच्चों की ज्यादातर कमेंट्स थी और बोल रहे थे कि सर ये जो कोरोना वायरस है, ये कोरोना डिसीज जो है, बीमारी जो है, ये कैसे आती है और क्या है सर ये ड्रामा? और भाई देखा है मास्क लगे हुए हैं लोगों के चेहरों पर, ठीक है? नाक पर मास्क वगैरह लगे हुए हैं। तो आ रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे लिए भी और हमारी नॉलेज के लिए भी दोस्तों, ठीक है? सबसे पहले बात करता हूँ कोरोना वायरस की। अगर बात करें तो कोरोना वायरस का अब हाल ही में प्रेजेंट टाइम पे जो नाम आया है, इसका नाम है दोस्तों कोविड, COVID, कोविड-19। कोविड-19 है कोरोना वायरस का नाम। अगर मैं बात करूं इसकी, कोविड-19 की, तो कोविड-19 नया नाम है और ये कोरोना वायरस का ही नाम है, कोविड-19। अब बात करें सर ये किस फैमिली का है, बात करेंगे सर जो कोविड-19 है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस फैमिली का वायरस है? तो वायरस जो है दोस्तों ये SARS, SARS-CoV-2, ये है पूरा नाम इस वायरस का। सर ये वायरस जो है, ये इस बीमारी का जो वायरस है, ये किस वायरस से विकसित हुआ है? अब मैं बात करूं कोरोना वायरस जो है किस वायरस से ये जो है निकला है या किस वायरस से एक्टिव हुआ है दोस्तों, तो वायरस का नाम है SARS-CoV-2, ठीक है? सर टू क्यों आया, ठीक है? इसका अगर नया नाम मैं आपके सामने लेकर आऊं तो इसका नया नाम आता है नोवल कोरोना वायरस। क्या नाम है दोस्तों? नोवल, NOWEL, नोवल, CORONA, कोरोना, VIRUS, नोवल कोरोना वायरस इसका नया नाम है। अब हम इसी नाम से ध्यान रखेंगे इसको। ध्यान तो रखने की ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब इससे सचेत रहना है, सावधान रहना है आप सभी को। नोवल कोरोना वायरस किस फैमिली से बिलोंग करता है? SARS-CoV-2, ठीक है? इसका नया नाम क्या है सर? तो नया नाम है कोविड-19 से हाल ही में चर्चा में है। सर ये कहां से फैला? तो अगर इसके फैलने की मैं बात करूं आपके सामने दोस्तों, तो ये फैला चाइना से, CHINA, चाइना से फैला। चाइना की सब्जी मंडियों से ये फैला वहां पे। अच्छा सर ये फैला वहां से, चाइना की सब्जी मंडी, किस शहर की सब्जी मंडी? तो वुहांग, ठीक है? वुहांग शहर है एक, वुहांग शहर की सब्जी मंडी में, ठीक है? वहां से इस वायरस का जो है निकलना स्टार्ट हुआ। कुछ मानते हैं कि चाइना की जो लेबोरेटरी थी, लेबोरेटरी जो है उनके अंदर से इसको जो है निकालने का दोस्तों, ऐसा भी मानना है। अलग अलग तर्क है, वो तो यूट्यूब पर तरह तरह की वीडियो आपके सामने आई है, लेकिन हम तो जो नॉलेज बेस है, IQ बेस है, उन पे हम अपनी बातें रखते हैं, ठीक है? तो ये ध्यान रखना कोरोना वायरस हाल ही में चर्चा में, कोविड-19 के नाम से, और कोविड-19 किस फैमिली का हुआ वायरस है? SARS-CoV-2, ठीक है? टू क्यों है सर? ये टू क्यों है? रीजन क्या है? रीजन इसका मेरे भाई ये है कि इससे पहली बार, एक बार और ये इंडिया में आया था, ये भी ध्यान रखना। एक बार और आता है, दूसरी बार आ रहा है। पहली बार तो कम था, लेकिन अब की दूसरी बार इसकी जो संख्या हो जाता है, इसमें जो मृत्यु दर है दोस्तों, मृत्यु दर, मरने वालों की संख्या 3% है, 3 से 4%। अब तक 3 से 4% है भारत में मरने वालों की संख्या, ठीक है? ये ध्यान रखना। इससे भी खतरनाक खतरनाक वायरस आए हैं इंडिया में, उनके बारे में बता दूंगा मैं। अब ये चाइना के वुहांग शहर से, सब्जी मंडी से ये निकला और पूरे चाइना को उसने इफेक्टेड किया, प्रभावित किया। अब वहां पर क्या है कि वहां पर जो आदमी रह रहे थे दूसरे देशों के, उनके अंदर ये वायरस, अगर मैं बात करूं दोस्तों वायरस होते क्या है, ठीक है? पहले तो यही ध्यान रखना। अभी सबसे पहले उसकी जो एक्टिवेशन की डेट है, एक्टिवेशन की डेट इसकी, अगर मैं एक बात, तो कोरोना का पूरा नाम याद रखना, कोरोना का पूरा नाम क्या है दोस्तों? C, और उसके बाद में आप बताओ कोरोना का, कमेंट में चले हुए हैं, ठीक है? कोरोना का पूरा नाम बताओ एक बार। सी कोविड है ना ये, कोविड, COVID, कोविड ही ब्रो। सी से अलग बनेगी, बी से अलग बनेगी और डी से अलग बनेगी। C का मतलब है कोरोना, CORONA, कोरोना। V का मतलब वायरस, VIRUS वायरस।
ओटी का मतलब डिसीज, DISEASE डिसीज, ठीक है, कोरोना वायरस डिसीज, कोरोना बीमारी, ठीक, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं सर वायरस की, तो कोरोना वायरस जो है ये एक्टिवेट कब हुआ था और इंडिया में अगर देखा जाए तो ये कैसे एक्टिवेट हुआ सर, ठीक है, इसके बारे में बता। देखो वायरस होते क्या है, कुछ का मानना था यूट्यूब पे तरह तरह की वीडियो आ रही है कि अगर जिस दिन टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो उसी दिन धूप बड़ी तेज निकलेगी और धूप के साथ साथ सनलाइट होगी वो ज्यादा हार्ड निकलेगी और सनलाइट से जो वायरस है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बकवासबाजी है। देखो सबसे पहले तो सोचने वाली बात है, वायरस जो होते हैं वायरस ये लिविंग लिविंग नहीं होते वायरस, ठीक है, ये नॉन लिविंग होते हैं वायरस। वायरस में सेल नहीं होती, वायरस में कोशिका नहीं होती है, तो सर एसएसटी के टीचर ने बायो पढ़ा रहे, लेकिन आपको अवगत कराना हमारा पर्पस है, आपको इससे ज्यादा से ज्यादा जानकारी में, तो मैं नोट इसको एक बार रफ कर रहा हूँ दोस्तों, अभी ध्यान रखना इसकी, इसके बारे में, कोरोना के बारे में कुछ लिख रहा हूं मैं। ये वायरस जो होते हैं सर VIRUS वायरस जो होते हैं ये विदाउट सेल्स के होते हैं, इनमें सेल्स नहीं होती, अब ये ध्यान रखना इनमें सेल नहीं होती सर। फिर ये क्या करते हैं, जैसे ही ये नॉन लिविंग होते हैं, कैसे होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं मेरे भाई, और जब इनको कोई भी होस्ट सेल मिलेगी, कौन सी सेल मिलेगी, होस्ट सेल, HOST, होस्ट नहीं होस्ट, HOST, होस्ट सेल इनको मिलेगी, तब होस्ट सेल के मिलने के बाद में ये कैसे हो जाते हैं, ये लिविंग, LIVING, लिविंग जो है लिविंग में आ जाते हैं, जीवित हो जाते हैं, लिविंग पोजिशन में, ठीक है। वायरस जो होते हैं वे नॉन लिविंग होते हैं दोस्तों, वायरस नॉन लिविंग होगी और जैसे ही इनको भी नॉन लिविंग को किसी होस्ट सेल के होस्ट सेल से इनका कॉन्टेक्ट होता है सर, होस्ट सेल कैसी सेल होती है ये ध्यान रखना। देखो अगर वायरस है नॉन लिविंग है और हमारे अंदर वो चले गया किसी भी मीडियम से हमारे अंदर चले गया, चाहे वो खाने के सामान से हो, चाहे वो मीट से हो, चाहे वो दूध से हो, चाहे वो छींकने से हो, कैसे भी किसी भी माध्यम से अगर हमारे शरीर के अंदर वो जो है एंट्री करता है, तो हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स होते हैं बहुत सारे, उनमें से जो हमारे ह्यूमन बीइंग की जो सेल है होस्ट सेल से कनेक्टिविटी बनाएगा, और कनेक्टिविटी बनाने के बाद में ये क्या हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा, ठीक है, और लिविंग पोजीशन में जब होगा तो हमारी जो सेल्स होगी दोस्तों, हमारी जो कोशिकाएं होगी उनको ये क्या करेगा, उनको टक्कर देगा बराबर, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं खतरा साबित करेगा। और जो हमारे शरीर के ऑर्गेनिज्म है, जो हमारे शरीर के ऑर्गेनिज्म है, बॉडी के जो ऑर्गेनिज्म है उन पे अटैक करेगा, और धीरे धीरे क्या होगा, जो शरीर के ऑर्गेनिज्म है वो इससे इफेक्टेड होंगे और धीरे धीरे अपना काम जो है वो बंद कर देंगे, और जब कार्य बंद कर देंगे हमारे शरीर के जो जितने भी सेल्स वगैरह और जो हमारे ऑर्गेन्स है जो जब वे काम करना बंद कर देंगे तो आदमी क्या होगी, फिर डेड हो जाएगा, मौत हो जाएगी। अभी मेन क्वेश्चन ये है सर ये इसके कितने स्टेप होते हैं, अगर मैं इसकी स्टेप की बात करूं तो इसके दोस्तों 5 स्टेप में है, ये 5 स्टेप में है। चाइना में अगर बात करें, चाइना CHINA, चाइना में अगर हम बात करें तो चाइना में आप जो है थर्ड और फोर्थ स्टेप पे चला हुआ है, और इंडिया में अगर बात करें, इंडिया में तो इंडिया में इसकी जो स्टेज है वो थर्ड स्टेज पर आ रही है, इंडिया में थर्ड स्टेज पे है ये, ठीक है, अभी फिलहाल जो चला हुआ है। यहाँ पर वेंटिलेटर की सुविधा इतनी नहीं है, अभी इसकी कोई वैक्सीन वगैरह भी तैयार नहीं हुई, बताऊंगा वो भी। जयपुर के अंदर एक हॉस्पिटल है SMS हॉस्पिटल, जयपुर के अंदर एक हॉस्पिटल है SMS हॉस्पिटल, ठीक है, इस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है उन्होंने बताया कि उन्होंने कोरोना की दवाई ढूंढ ली है, ठीक है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, कोरोना की दवाई नहीं ढूंढी। कोरोना देखो खत्म कैसे हो, ये खत्म तो नहीं होता, लेकिन हम इसको अपने शरीर में घुसने नहीं देंगे, उसका एक अलग तरीका है। अब ये यहाँ तक कंप्लीट होगा, मैंने बोला होस्ट सेल क्या होते हैं सर, देखो होस्ट सेल किसी के भी माध्यम से हो सकती है, अगर मैं बताऊँ होस्ट सेल एनिमल की भी हो सकती है, होस्ट सेल जो है वो बर्ड्स की भी होगी, होस्ट सेल जो है वो वही ह्यूमन बीइंग की भी हो सकती है, हो सकता है चमगादड़ की हो सकता है मेंढक की हो सकता है सांप की हो सकता है छिपकली की हो सकता है बहुत तरह तरह की है, ठीक है, होस्ट सेल जिसकी भी होस्ट सेल से कनेक्टिविटी होगी वो क्या बनेगा, फिर बाद में लिविंग हो जाएगा, लिविंग पोजीशन में, और यहाँ पे वायरस जो है आपका एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, कैसा होगा दोस्तों, एक्टिव फॉर्म में, तो आपकी ये बात सही समझ में आ रही है। मैंने बताया वायरस जो होते हैं वो डेड होते हैं, मरे हुए मर्त होते हैं वायरस, वायरस नॉन लिविंग होते हैं, और लिविंग कब हो गए सर, ये लिविंग ये जब हो गए जब इनकी कनेक्टिविटी किसी होस्ट सेल से मिलेगी, होस्ट सेल किसी की भी हो सकती है, मानव की भी हो सकती है, जीव जंतुओं की भी हो सकती है, पशु पक्षियों की भी हो सकती है, चमगादड़ वगैरह की भी हो सकती है, सांप कछुआ मेंढक तितली सब किसी की भी हो सकती है, अब उनके होस्ट सेल के साथ मिलकर क्या होगा, लिविंग पोजिशन में होगा और तब ये एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होने के बाद में हमारे शरीर के अंदर जो है ये इफेक्ट
युद्ध करेगा, और युद्ध जिसका मतलब युद्ध फाइट करेगा ना हमारी सेल्स के साथ में, और हमारे जो शरीर का हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है उन ऑर्गन्स को हानि पहुंचाएगा बहुत ज्यादा, और धीरे धीरे ऑर्गन्स जो है ना काम करना बंद कर देगा, और जिसके कारण आदमी की मौत हो जाती है। अब उसके बाद देखेंगे अगर हम मृत्यु दर की बात करें इस वायरस से इंडिया में जो मृत्यु दर है कितने आदमी अब तक मरे हैं, तो ध्यान रखना सब बहुत ही कम इसकी मृत्यु दर है, 3 से 4%। अगर 100 आदमियों के है, अगर 100 आदमियों को कोरोना वायरस है तो 100 में से कोई 3 या 4 की ही डेथ हुई है, 100 में से 3 या 4 की ही डेथ हुई है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा जो है आप जो है साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, और जो है जो उपाय है उनको प्रयोग करें। अब उसके बाद हम बात करें इंडिया में थर्ड स्टेज पे चला हुआ है सर, ये सर कैसे काम नहीं करेगा, अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा इफेक्टेड किसको कर रहा है ये, तो कोरोना वायरस सबसे ज्यादा इफेक्टेड कर रहा है जो 50 साल से अधिक आयु के आदमी है, ठीक है ये ध्यान रखना भैया। कोरोना वायरस सबसे ज्यादा इफेक्टेड किसको कर रहा है, जो 50 साल से अधिक आयु के आदमी है उनको ये इफेक्टेड करता है, ठीक है, 50 50 50 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, इनको सबसे ज्यादा इफेक्टेड करता है। क्यों करता है सर, क्यों, इसीलिए करता है क्योंकि इन अगर आदमी 50 साल से ऊपर जाता है तो उसका इम्यून सिस्टम EMUN, इम्यून सिस्टम SYSTEM, उसका इम्यून सिस्टम जो होता है, इम्यून सिस्टम को विद्या में बोलते हैं प्रतिरक्षी तंत्र, प्रतिरक्षी तंत्र, ठीक है। प्रतिरक्षी तंत्र क्या होता है मेरे भाई, प्रतिरक्षी तंत्र इम्यून सिस्टम जो होता है वो होता है अगर हमारे शरीर में कोई भी बीमारी आती है तो बीमारी से जो सिस्टम लड़ने के लिए तैयार रहता है 24 घंटे, ठीक है, वो क्या होता है, वो इम्यून सिस्टम होता है। अब इम्यून सिस्टम में मैं आपको बताऊंगा वे 5 जो सिस्टम होते हैं, इम्यून सिस्टम के अंदर 5 चीजें होती है, अगर वे 5 चीजें आपके शरीर में बिल्कुल मेंटेन है फिट है तो आपका कोरोना वायरस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। अगर आपको पता हो दोस्तों, अगर प्यारे बच्चों आपको पता हो कि इम्यून सिस्टम के बारे में अगर मैं बात करूं थोड़ी सी, तो ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं, ये इसमें भूलना नहीं है तो बिल्कुल भी, और ये ध्यान रख लेना कि एक तो इम्यून सिस्टम के अंदर आपका होगा मोनोसाइट, मोनोसाइट लिम्फोसाइट, ठीक है, बेसोफिल, ये ध्यान नोट करते रहो, ठीक है, मोनोसाइट मोनोसाइट लिम्फोसाइट बेसोफिल बेसोफिल इसिनोफिल इसिनोफिल और न्यूट्रोफिल, ये 5 चीजें हैं आपकी, अभी मैं इनको लिख रहा हूं, मोनोसाइट मोनोसाइट लिम्फोसाइट मोनोसाइट लिम्फोसाइट और बेसोफिल बेसोफिल मोनोसाइट लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट और बेसोफिल और इसिनोफिल इसिनोफिल, ठीक है, इसिनोफिल और न्यूट्रोफेस न्यूट्रोफेस, ये न्यूट्रोफेस, ठीक है, ये 5 हमारे हैं, ये हमारे 5 तंत्र हैं जो किसके अंदर आते हैं, आपके इम्यून सिस्टम, EMUN, इम्यून SYSTEM, इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षी तंत्र के अंतर्गत आते हैं, ये ध्यान रखना, प्रतिरक्षी तंत्र के अंदर 5 सिस्टम काम करते हैं हमारे, मोनोसाइट लिम्फोसाइट बेसोफिल एसिनोफिल और न्यूट्रोफेस, ये 5। अगर आदमी के ये पांचों बिल्कुल फिट है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी हमारे शरीर के अंदर की कमी नहीं है, तब हमारा कोरोना वायरस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो ये तंत्र है दोस्तों, इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रोंग है और उससे लड़ने में सहायता करेगा, और लड़ने के बाद इस वायरस को हमारे शरीर के अंदर ही ब्लास्ट कर देगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हमें हमारे शरीर में आपने देखा होगा विटामिन प्रोटीन की इन चीजों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी 50 साल से अगर आदमी अधिक होता है तो उसके अंदर कमजोरी वगैरह और बहुत सारी बीमारियां जैसे डायलिसिस है, ठीक है, और उसके बाद हार्ट अटैक का मरीज है, वो बीपी उसका कम होता है या बीपी हाई होता है एकदम से, ठीक है, या दमा रोगी हो जिसके अस्थाओं रहता है, ठीक है दोस्तों, और मैं डायबिटीज डायबिटीज का जो रोगी होगा उसको भी इफेक्टेड करेगा, डायबिटीज वाले को भी। और उसके बाद में अगर मैं बात करूँ फेफड़ों में किसी के पानी भरा हुआ हो, ठीक है, बोलते हैं ना कि फेफड़ों में पानी भर जाता है, फेफड़ों में किसी के पानी भरा हो या फिर किसी को बचपन में कभी भी निमोनिया हो जाओ हो, ठीक है, निमोनिया वालों को खासकर सावधान रहने की जरूरत है। तो इसके जो मैंने कारण बताए हैं आपको किन किन आदमियों को ये हो गया, अगर हमारा इम्यून सिस्टम सही है तब हमारा कोरोना वायरस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और 50 साल से अधिक के लोग इससे प्रभावित है, 50 साल के नीचे तो बहुत ही कम आदमी है। अभी इसकी वैक्सीन नहीं खोजी गई, मैं बताया कि जयपुर के अंदर क्या है, SNS है,
एसएमएस हॉस्पिटल है उसके अंदर जो डॉक्टर्स है उन डॉक्टर्स ने बोला कि वहां पे कोरोना का इलाज की दवाई ढूंढ ली, नहीं बिल्कुल भी नहीं ढूंढी। अगर ऐसा होता तो डब्ल्यूएचओ जो है ना मेरे भाई, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो मेंबर्स है वो डॉक्टर्स को यहाँ से उठा ले जाते, क्योंकि ये जो समस्या है ये आज इंडिया की समस्या नहीं पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम बनी हुई है, ठीक है, ये डिसीज, ये बीमारी। तो बिल्कुल भी दवाई नहीं ढूंढी। इसमें होता क्या है ये भी ध्यान रख लो, इसमें होगा ये कि जो एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे उन्होंने क्या किया मेरे भाई, उन्होंने आपके दो रोग होते हैं, एक रोग आपका होता है एचआईवी पॉजिटिव, जिसको हम बोलते एड्स, AIDS, एड्स, और दूसरा हम बोलते हैं आपको मलेरिया, मलेरिया, ठीक है। जो एचआईवी एड्स और मलेरिया की जो वैक्सीन है ये ध्यान रखना, एचआईवी एड्स और मलेरिया की जो वैक्सीन है उन दोनों वैक्सीन को मिला के, ठीक है, मिला के ट्रीटमेंट दिया गया और ट्रीटमेंट से उसको आराम मिला काफी। आराम मिलने के बाद में क्या हो, धीरे धीरे जो उसके स्टेप है, जो स्टेप स्टेज आई हुई है उसकी स्टेज, अब मैं सर स्टेज नहीं बताया आपने कितनी स्टेज होती है, आपकी जो फर्स्ट स्टेज होती है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है, ये कोरोना वायरस की ये पांच स्टेज होती है दोस्तों। और इन पांच स्टेज में अगर मैं बात करता हूं आपके सामने थोड़ी सी पांचों की, तो ये ध्यान रखना स्टेज में कौन कौन सी होगी आपकी। देखो फर्स्ट स्टेज में आता है इंट्रो, ठीक है, इंट्रो, ये इंट्रो का मतलब परिचय कैसे दिखता है। देखो 4-5 दिन तक तो कुछ नहीं होने का, 4-5 दिन तक नॉर्मल रहेगा, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 4-5 दिन तक आपको लगेगा नहीं कि हमारे अंदर कोरोना घुस गया है। अब उसके बाद आता है सेकंड स्टेज पर क्या काम करेगा, सेकंड स्टेज पर जो होगा दोस्तों, सेकंड स्टेज पे इसमें लक्षण जो सिंड्रम्स है वो दिखाई देने लगेंगे, सिंड्रम्स, SYNDROMS, सिंड्रम्स जो है वो दिखाई देंगे सेकंड स्टेज पे। और सिंड्रम्स क्या है, इसके गले में दर्द होगा, खांसी होगी, सूखी खांसी होगी, ठीक है, उसमें बलगम वगैरह नहीं आएगा। अब उसके बाद में है फेफड़ों को जो है वो होती कठिनाई होगी सांस लेने में, ऐसा लगेगा कि जो सांस ले आदमी वो खिंचावट आ रही है सांस में, बहुत ज्यादा तकलीफ होगी सांस लेने में भी छोड़ने में भी, जो गले का ये वाला पार्ट है ये दुखेगा, इसमें दर्द होगा। तो उसके बाद तेज बुखार होगा, ठीक है, बिल्कुल तेज फीवर होगा। उसके बाद में अब आप सपोज करना कि कोरोना है, ठीक है, आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाए और वहां पे जो है वेंटिलेटर अपने आप को जो है वो आप में फिट कर दे और आप पहुंच जाए सीधे अस्पताल। अब थर्ड नंबर पर अगर मैं बात करूं, पहले नंबर पे इंट्रो देगा 4-5 दिन तक तो आपको पता नहीं लगेगा क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन 5 दिन के बाद आपके अंदर सिंड्रम्स दिखाई देंगे। उसके बाद में अगर हम बात करूं तो धीरे धीरे ये जो है आपकी बॉडी, जो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स है, आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स है उनको कहीं ना कहीं हानि पहुंचाएगा। और इसकी स्टेज जो थर्ड है दोस्तों, ये थर्ड स्टेज इंडिया में चली हुई है, ऑर्गन्स पे हमला करेगा ये। और इसमें देखो सर, थर्ड स्टेज में ये इतनी कठिनाई से क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो वायरस होते हैं ना, वायरस, VIRUS वायरस, इनका मल्टीप्लिकेशन होता है, वायरस का मल्टीप्लिकेशन, MULTIFICATION, मल्टीप्लिकेशन होता है, एक वायरस एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, इस तरीके से बनेंगे दोस्तों। तो थर्ड स्टेज में क्या होता है, वायरस का मल्टीप्लिकेशन होता है। और उसके बाद में अगर थर्ड स्टेप स्टेप कंप्लीट होता है, और वैसे थर्ड स्टेप के बाद में आदमी बचना तो संभावित सी बात है, बचेगा तो नहीं, अगर बचता है तो उसका मतलब है, ठीक है, ग्लूकोज वगैरह लगा के उसको बचा देते हैं, किसी के जिसका इम्यून सिस्टम जबरदस्त या इम्यून सिस्टम मजबूत होगा वो इसको झेल जाएगा थर्ड स्टेप को। उसके बाद में आपकी चौथी और पांचवी जो कंडीशन आती है, फोर्थ और फिफ्थ, इसमें होती है आपकी रिकवरी, रिकवरी, ये ठीक है, ठीक है, सुना होगा कि पहले कोरोना था, अब धीरे धीरे वो ठीक होने लग गया, तो ठीक होने का मतलब है अब उसकी रिकवरी होने लग रही है। तो स्टेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट में तो कोई दिक्कत नहीं, इंट्रोड्यूस करा होगा ये, सेकंड स्टेप में सिंड्रम्स दिखाई देगा और थर्ड स्टेप में इन वायरस का मल्टीप्लिकेशन शुरू होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद चौथी और पांचवी में रिकवरी होनी स्टार्ट होगी, रिकवरी होने के बाद ठीक हो जाएगा आदमी, अगर थर्ड के बाद झेलता है कहीं ना कहीं। तो इस सारी चीजों में थर्ड स्टेज के बाद किस चीज का मेन रोल है, तो वो रोल है आपका इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षी तंत्र का। इम्यून सिस्टम के अंतर्गत पांच जो हमारे उदर से वो काम करते हैं, हमारे पांच सिस्टम है वो काम करते हैं, नंबर एक मोनोसाइट, नंबर दो लिम्फोसाइट, और तीसरा बेसोफिल, नंबर फोर्थ एसिनोफिल, और नंबर फाइव न्यूट्रोफेस, ये ध्यान रखना, ठीक है। 50 साल से ऊपर के व्यक्ति में ज्यादा संभावना है, मैं बता रहा हूँ, जिस अगर किसी व्यक्ति का डायबिटीज है, डायबिटीज के मरीज को संभावित है, संभावना है पूरी मिलेगा, डायबिटीज वाले को स्पेशल बचा कर रखे। अगर किसी को हार्ट संबंधी प्रॉब्लम है, पहले हार्ट अटैक कभी आए हो या वाल वगैरह पड़ी हो दिल में, तो उसका भी होता है, उसको भी तकलीफ पहुंचाएगा। नंबर थर्ड अगर मैं बात करता हूँ, जिसका बीपी ब्लड प्रेशर डाउन होता हो एकदम से, और जिसका हाई होता है उसको भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड करेगा ये।
उसके बाद है मध्य के फेफड़ों में पानी भरा होगा उसको भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड करेगा। और नंबर पांच सबसे लास्ट का, जो अगर किसी व्यक्ति को निमोनिया हुआ होगा कभी निमोनिया, तो निमोनिया वाले को ये जो है प्रभावित करेगा जरूर। तो इससे बचने के लिए सर हमको करने क्या है, इसको बचाने के लिए देखो अपने हर 20 मिनट के बाद, हर 20 मिनट के बाद में आपको क्या करने हैं, आपको अपने हैंड वॉश करने हैं। हैंड वॉश कहीं से करने हैं, बहुत तरह तरह के साबुन है ठीक है, जैसे सेवलोन है, डेटोल है ठीक है, हाइड्रोपराक्साइड है, इसी ध्यान रखना, हाइड्रोपराक्साइड है, इथेनॉल है ठीक है, ये कुछ है, मैं आपको उसकी बता देता हूँ, मेरे पास में बेचे थे एक ना, वो बता देता हूँ आपको। जैसे इथेनॉल है, आइसो आइसोप्रोसोइल है ठीक है, एथेनॉल आइसोप्रोसाइल है, हाइड्रोजन पराक्साइड है, एथेनॉल आइसो प्रसाइल और हाइड्रोजन पराक्साइड, इनका यूज हमें करना चाहिए ठीक है। अगर मैं बात करूं तो कोरोना वायरस सबसे ज्यादा किसके संपर्क में आने से होगा, अगर देखो किसी व्यक्ति का खांसी वगैरह है तो वो अपने मुंह पर मास्क लगा सकता है, तो कोरोना वायरस की जब एंट्री होगी तो एंट्री हमेशा सबसे ज्यादा इफेक्टेड कहीं में रहेगी, ये बोलने से नहीं आएगा, पास में बैठ के बातचीत करने से नहीं आएगा, टच करने से नहीं आएगा, सबसे ज्यादा इफेक्टेड अगर ये होता है तो ये होता है सैलवा से, लार से ठीक है, ये ध्यान रखना। हम बोलते हैं और बोलते हैं या छींकते हैं, तो छींकते वक्त हमारे शरीर से जो थूक वगैरह होता है, स्पीड वगैरह होता है, अगर वो दूसरे के जीवा पे या फिर दूसरे के शरीर पर लगता है तो उसमें वायरस है ठीक है, ध्यान रखना वायरस उसके अंदर पहुंचेगा वो जरूर। इसीलिए अगर किसी को खांसी हो जुकाम हो तो अपने चेहरे पर मास्क लगा कर रख सकता है, अपने मुंह पर मास्क का प्रयोग जरूर करें दोस्तों ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर मास्क लगाने से कोरोना नहीं आने का, मास्क लगाए हुए भी आएगा, अभी आपको क्या है कि आपको सावधानी बरतनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, वैक्सीन नहीं है, सावधानी एकमात्र उपचार है दोस्तों ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बाकी इसके बारे में मैंने सारी चीजें आपको अवगत करा दिया, कोरोना वायरस क्या है, COVID-19 के नाम से है दोस्तों, COVID-19, और COVID-19 किस फैमिली का वायरस है, SARS-CoV-2, ये 2 इसीलिए है क्योंकि ये दोबारा एंट्री की है, एक बार पहले भी आ चुका है ठीक है। और उसके बाद हमें बताया SMS वाले हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल ने क्या कहा, तो SMS जयपुर में पड़ता है, ये जयपुर, जयपुर पिंक सिटी, जयपुर का हॉस्पिटल है SMS, अगर मैं मानूं तो पहले नंबर भारत में एम्स हॉस्पिटल और सेकंड नंबर पे जयपुर का जो है वो SMS हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, काफी अच्छा हॉस्पिटल है ठीक है। यहाँ के डॉक्टर ने क्या किया कि जो एड्स की वैक्सीन थी और मलेरिया की वैक्सीन थी उनको ऐड करके, और जब पेशेंट को दी तो कहीं ना कहीं जो इसका थर्ड स्टेप था उसमें राहत मिली, उससे धीरे धीरे कम हुआ, और फिर कम होने के बाद में जब आदमी क्या हुआ, फिर फोर्थ और फिफ्थ स्टेज में आपका रिकवरी होनी स्टार्ट हो जाएगी, और रिकवरी होने के बाद में वो बिल्कुल फिट हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपका कोरोना वायरस के बारे में था, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अब उसके बाद में कुछ नए बैच का बताता हूँ ठीक है भाई, 25 तारीख से जो है हम ऑनलाइन बैच देंगे अपने, ऑनलाइन का मतलब आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी और मैथ्स और SST की आपको क्लास प्रॉपर वे में मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों ठीक है। हमने इतनी अच्छी जानकारी दी, कम टाइम में बहुत सारे फैक्ट आपको दिए, अगर ये देखो ये वायरस तो खत्म हो जाएगा, खत्म होने के बाद में इससे यहाँ से बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन तब हो गए, इन क्वेश्चन का आप समग्र करना इनको, और इनसे क्वेश्चन का पूरे टॉपिक से क्वेश्चन निकालोगे तो आपको बहुत कठिनाई होगी, इसलिए हमने पूरे कंसेप्ट को यहाँ पे क्लियर किया हुआ है। बहुत सारी चीजें इनसे भी अलग है, उनका पढ़ाई का फायदा नहीं है कुछ भी दोस्तों, आप वायरस पढ़ लेना, आपकी जो बायो के टीचर्स होंगे उनसे आपको भी वायरस पढ़ना, सारे वायरस पढ़ना, तब आपको बता देंगे कि कितनी कैटेगरी होते हैं, एक वायरोलॉजी होती है उसके अंदर होते हैं सब कुछ। अबे ध्यान रखना, ये कोरोना वायरस की वीडियो थी ठीक है दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट करने का हक है आपका, वो करते रहना, बाकी 25 तारीख का वेट करें, उसके बाद हम वीडियो अपलोड करते हैं ठीक है। बाकी धन्यवाद, शुभ रात्रि, धन्यवाद।